हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप यू आर फिट। तो ठीक है, आज फिर हम कंटिन्यू करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। लास्ट टाइम पे मैंने क्वेश्चन दिया था, कराया किसी ने? भाई नहीं करा, टाइम नहीं मिला है। ठीक है, तो अब टाइम मिल जाएगा। देखो, जैसे वन अपॉन साइन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? दैट इज वी हैव टू दिस इंटीग्रेशन, वी हैव टू दिस इंटीग्रेशन। अब इसको क्या करता हूं मैं, इसको इंटीग्रेशन करने के लिए फर्स्ट वी हैव इसको साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या कर लेता हूँ? साइन ए माइनस बी से, साइन माइनस बी कॉन्स्टेंट है तो साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे इंटीग्रेशन से अब इस ए माइनस बी को अब क्या करेगा, इसको ए माइनस बी को क्या करेगा, इसको ए माइनस बी को क्या करता है, क्या करूं मैं इस ए माइनस बी को क्या करता हूं मैं, इसे एक्स माइनस बी से इसे ब्रेक कर लेता हूं। क्या आ जाएगा, इसे कर ले, ये कॉन्स्टेंट, ये बाहर आ जाएगा साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए अपॉन साइन ए माइनस बी साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। ये क्या, साइन ए माइनस बी साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, ये क्या आएगा साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन और इंटीग्रेशन है ही है, और बाहर क्या आ जाएगा, ये साइन बी माइनस ए माइनस बी साइन ए माइनस बी, ये है साइन ए माइनस बी। अब ये डी एक्स आ गया, इसको अलग अलग कर लूंगा, इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, इसको क्या कर लूंगा मैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या कर लूंगा मैं, अलग कर लूंगा। क्या आ जाएगा, ये साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी क्या क्या आ गया, साइन साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस कोस एक्स माइनस ए कोट एक्स माइनस ए इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स माइनस बी इंटीग्रेशन। क्या कर लो, क्या की बैक भी लिख लो, तो यह जगह डी एक्स। ये अब यह कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहता है, लॉग साइन एक्स माइनस ए, यह साइन ए माइनस बी चलेगा, लॉग साइन एक्स माइनस ए माइनस लॉग
साइन एक्स माइनस बी लॉग एम माइनस लॉग एन, क्या जाएगा, लॉग एम माइनस लॉग एम अपॉन एन। लॉग वन अपॉन साइन ए माइनस बी लॉग साइन एक्स माइनस ए लॉग साइन एक्स माइनस बी, ये इसका आंसर आ जाएगा, ट्वेल्थ सी। देखो क्या है, देखो साइन 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन करूंगा। इसे क्या करना, अब मान लिया इसको मैं टी मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ इसको, टी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को क्या मान लेता हूँ, टी। तो क्या गया, टू साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स बराबर डी टी, ये साइन टू एक्स बराबर डी एक्स बराबर डी टी, ये क्या आ गया, साइन टू एक्स कोस एक्स बराबर क्या आ गया, डी टी। और ये बी स्क्वायर भी चला आ रहा है, तो यहाँ बी स्क्वायर जो कॉन्स्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, जी टी अपॉन बी स्क्वायर क्या आ गया, जी टी अपॉन स्क्वायर नहीं, वन अपॉन बी स्क्वायर डी टी अपॉन टी, डी टी अपॉन टी मतलब लॉग टी, क्या आ गया, लॉग टी वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी, वन अपॉन बी स्क्वायर लॉग टी, टी की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, क्या गया, लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस टी। आगे बात में अब आगे देखते हैं, सवाल हो टू की पावर टू की पावर टू की पावर एक्स, टू की पावर टू एक्स टू की पावर एक्स डी एक्स, इसका डिफरेंशियल निकालना है। तो इसको मान ले टी मान लिया, पहले क्या मान लिया, इसको टी मान लिया, तो ए की पावर एक्स क्या आता है, ए की पावर एक्स लॉग ई ए, क्या आ गया, ए की पावर एक्स क्या आ गया, ए की पावर एक्स लॉग ई ए लॉग टू, फिर इसका डिफरेंशियल ऑफ एक्स का यानी टू की पावर टू एक्स इक्वल टू डी टी, ये क्या आ गया, टू की पावर टू एक्स फिर टू की लॉग टू जू कसू, टू की पावर एक्स क्या आ गया, टू की पावर एक्स टू की पावर एक्स
लॉग टू डिफरेंशियल ऑफ ए की पावर एक्स लॉग ए, फिर जिसका एक्स का टू की पावर एक्स का, लॉग टू लॉग टू लॉग टू का स्क्वायर, क्या आएगा, टू की पावर टू एक्स लॉग, ये टू की पावर टू एक्स लॉग टू का होल स्क्वायर लॉग टू, और ये टू की पावर एक्स का क्या आएगा, टू की पावर एक्स लॉग टू डी टी, ये लॉग टू क्या आएगा, लॉग टू की पावर क्या है, टू की पावर टू एक्स, टू की पावर टू एक्स, टू की पावर एक्स लॉग टू की पावर क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इसमें क्या आ जाएगा, टू टू की क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन लॉग टू की पावर क्यूब, क्या आ जाएगा, लॉग टू की पावर क्यूब क्या आ जाएगा, अच्छा इसकी वैल्यू देखो ये रही, ये सारा क्या, डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन ये सारा क्या गया, टू की पावर टू एक्स, टू की पावर टू एक्स, टू की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/2 लॉग टू की पावर क्यू, क्या आ गए, 1/2 वन अपॉन लॉग टू की पावर क्यूब और डी टी वन अपॉन लॉग टी की पावर टी क्यूब, और डी टी का क्या आ जाएगा, टी टी वन अपॉन लॉग टू की पावर क्यूब प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है टू की पावर टू एक्स लॉग टू की पावर क्यूब प्लस सी, ये आंसर आ गया। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। देखो क्या है कि इसको ए की, इसको जो टू की पावर एक्स था, इसको टी मान ले, क्या ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स लॉग ए, ई ए लॉग ए, फिर इसका जो है टू की पावर टू एक्स का फिर करूंगा इसका डिफरेंशियल, लॉग एक्स का भी तो करूंगा बाद में, नहीं फिर ही तरह टू एक्स का कर करते लॉग टू की पावर क्यूब आ गया और इसके नीचे आ गया, तो क्या गया, लॉग टू की पावर लॉग टू क्यूब आ जाएगा और ये डी एक्स इक्वल टू डी टी, इसकी वैल्यू यहाँ रख दूँ तो फिर इसका जो है आंसर आ जाएगा, जैसे अब एक हो रहा है, जैसे साइन क्यूब एक्स अपॉन कोस की पावर 4 एक्स प्लस 3 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1 टेन इनवर्स सेक एक्स प्लस कोस एक्स, इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन की वैल्यू डी एक्स आ गई। अब मैंने क्या करा, इसको सोल्व, इसको क्या करना है, इसको सोल्व करना है, क्या साइन क्यूब एक्स कोस की पावर
फोर एक्स प्लस थ्री कोस स्क्वायर एक्स प्लस वन टेन इनवर्स सेट एक्स प्लस के कोस एक्स, इसको सोल्व करना है। अब क्या करूं इस तरह कि किसका सॉल्यूशन बोला मैं आपका, इसको मैं जो है टी मान लू, इसको क्या मान लू मैं, इसको टी मान लू, क्या मान लू इसको, जैसे ये टेन इनवर्स सेक एक्स प्लस कोस एक्स को क्या मान लू टी, उसको फिर क्या कर लो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, ये है टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का क्या आता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस सेक एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स प्लस कोस, ये क्या गया वन प्लस sec x के क्या जाएगा sec x tan x cos x का माइनस के sin x, वन प्लस sec x tan x का होल स्क्वायर या फिर sec x tan x माइनस के sin x। अच्छा अब इन दोनों में क्या कर लेता हूं मैं, इसको कोस में बदल लूं, सारे क्या बदल लूं इसको कोस में बदल लो, क्या आ गया ये वन अपॉन वन अपॉन वन प्लस क्या आएगा वन अपॉन कोस एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर वन अपॉन कोस एक्स साइन एक्स अपॉन cos x माइनस के sin x dx बराबर dt। देखो इन दोनों में sin x कॉमन ले लूंगा, इसे cos स्क्वायर x क्या आ जाएगा ये वन प्लस होल स्क्वायर एक्स अपॉन होल स्क्वायर एक्स ये क्या आएगा साइन एक्स, दोनों से कॉमन ले लूंगा क्या आएगा वन अपॉन कोल स्क्वायर एक्स वन माइनस cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक cos स्क्वायर एक्स को इधर कर लूंगा क्या आ जाएगा ये क्या आ जाएगा ये cos स्क्वायर एक्स प्लस वन प्लस cos स्क्वायर एक्स इधर आ जाएगा क्या आ जाएगा ये क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस वन प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, ये क्या आ जाएगा ये वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या जाएगा साइन एक्स वन माइनस साइन क्यूब क्या एक्स क्या जाएगा साइन एक्स क्या जाएगा ये आ जाएगा साइन क्यूब एक्स क्या आ जाएगा ये साइन क्यूब एक्स होल स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इस कोस स्क्वायर एक्स ये आ जाएगा ये क्या आ जाएगा इस कोस क्यूब है कोस स्क्वायर एक्स है क्या आएगा ये से कट जाएगा, ये से कट जाएगा क्या आएगा खाली
साइन क्यूब एक्स तो आ गया, साइन बी साइन क्यूब एक्स क्या गया, साइन क्यूब एक्स क्या आ गया है, साइन स्क्वायर ही पाएगा यार, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर चले जाएगा, तो क्या गया साइन क्यूब एक्स अपॉन क्या गया साइन क्यूब एक्स, इसे खोल लेंगे से क्या गया फोर स्क्वायर एक्स, तो ए प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू कोस स्क्वायर एक्स, क्या आ जाएगा टू कोस स्क्वायर एक्स। ये है 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस cos 4 प्लस 2 cos स्क्वायर x, ये आ गया 1 प्लस ये आ गया, ये क्या आ गया sin क्यूब x, क्या आ गया sin क्यूब x cos की पावर 4 x प्लस 2 cos स्क्वायर x, एक सीरीज 3 cos स्क्वायर x प्लस के 1 dx इज इक्वल टू ये रखा देखो, इसका ट्रांसफॉर्मेशन ये रखा, तो इसका क्या है डी एक्स ये डी टी अपॉन टी, ये क्या है डी टी अपॉन टी, डी टी अपॉन टी क्या आएगा लॉग टी प्लस सी, टी टी की वैल्यू क्या आएगा टेन इनवर्स सेक एक्स प्लस कोस एक्स, लॉग टेन इनवर्स log tan inverse sec x plus cos x plus के c आ जाएगा, देखो भाई ये क्वेश्चन था, इसको मैं tan inverse sec x को ये t मान लो, तो tan 1 upon tan inverse x का 1 upon 1 plus x square और फिर इसका differential dx upon sec x plus cos x, इसका differential क्या आ गया sec x tan x cos x का minus sin x dx t, ठीक है। अब इसको sec को यह cos में बदल लूंगा, ठीक, इसको भी sec को cos में sin upon cos, और इन दोनों में क्या कर लूंगा sin कॉमन ले लूंगा, फिर से सोल्व कर लूंगा, सोल्व करके क्या आ जाएगा ये आ जाएगा सारा sin cube x cos power 4 3 cos का दैट इज ये रखा, तो ये क्या है dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dt 1 upon t इक्वल टू क्या इंटीग्रेशन का log t प्लस sec t की वैल्यू क्या रखूंगा tan इनवर्स, ये भी tan इनवर्स sec x प्लस cos x प्लस c, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, देखो अब नया क्वेश्चन करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू क्या इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, इसको क्या कर दिया इसको स्क्वायर बना लूंगा, ये है एक्स प्लस वन का स्क्वायर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू को कर लूंगा इसे क्या कर लिया वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, क्या आ गया वन प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर डी एक्स, ये आ गया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस के
dx, ठीक है। अब क्या कर लिया मैंने, x प्लस वन को क्या मान लिया मैंने, t, x प्लस वन को क्या मान लिया मैंने, t मान लिया, x प्लस वन को क्या मान लूंगा, tan थीटा, x लेट x प्लस वन इक्वल टू tan थीटा, तो dx इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो क्या गया ये वन अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस वन डी थीटा, और ऊपर क्या आ गया है सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा अब इसको क्या कर लूं मैं, साइन कोस में बदल के क्या जगह है, ये आगे क्या आ गया, वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो क्या है, ये सवाल गलत हो गया, इसका स्क्वायर है ये सारे, क्या है ये स्क्वायर, ये सारे क्या है स्क्वायर है, सारे क्या है स्क्वायर है, इसके क्या है टेन स्क्वायर थीटा प्लस के ये जाएगा इसका स्क्वायर है। ये क्या आ गया, ये यहाँ पे क्या आ गया, वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कोस की पावर फोर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन वन का स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन क्या है डी। अब कोस स्क्वायर थीटा को बोलो कोस टू थीटा में क्या आ जाएगा, वन प्लस कोस टू कोस स्क्वायर थीटा इक्वल माइनस वन, मिल रहा है कोस टू थीटा इक्वल टू टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्या आएगा कोस टू थीटा प्लस वन अब टू थीटा इक्वल कोस टू थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टू थीटा का माइनस कोस टू थीटा साइन टू थीटा अपॉन टू थीटा वन का थीटा प्लस सी किया गया, टू थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, क्या मान ली थी मैंने थीटा की वैल्यू, एक्स प्लस वन इक्वल टू क्या है, यहाँ से क्या है एक्स प्लस वन इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वन, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई टेन इनवर्स एक्स प्लस वन, हेयर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वन, और अगर और जो इसका यही अगर इसकी वैल्यू और ज्यादा सिंपलीफाई करना है तो क्या कर लेंगे इसको, ये है ना टू साइन थीटा को टू साइन थीटा कोस थीटा
अपॉन टू प्लस थीटा प्लस सी इस थीटा ठीक है क्या आ गया साइन थीटा। अब है ना टेन थीटा इक्वल टू वन प्लस एक्स तो साइन थीटा कितनी की वैल्यू हो जाएगी या टेन थीटा इक्वल टू एक्स प्लस वन इज इम्प्लाई दैट थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वन। अभी इस यार टेन थीटा इक्वल टू एक्स टेन थीटा इक्वल टू वन प्लस एक्स क्या गया वन प्लस एक्स ये आ गया। ये इससे हाइपोटेनियस निकाल लूंगा मैं हाइपोटेनियस अगर ये एंगल थीटा है ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर क्या जाएगा ये यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस टू का रूट। तो साइन थीटा की वैल्यू ये है यहाँ से भी यहाँ से ये पुट कर दूंगा क्या आएगी साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा वन प्लस एक्स क्या आएगी वन प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू इंटू कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी वन अपॉन प्लस थीटा की वैल्यू दैट इज शॉर्ट ये इसका आंसर आ गया। जैसे अब है इफ साइन की पावर एम एक्स कॉस की पावर एम एक्स डी एक्स वेयर एम एंड आर एम एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर साइन की पावर एम एक्स कोस पावर एन एक्स डी एक्स वेयर एम एन बिलोंग टू रो एम ये अब अगर इस तरह का सवाल है किसे सब्सटीट्यूट करना है किसको हम टी मानते हैं सवाल यह है अगर ये इस तरह क्वेश्चन आ जाए इंटीग्रेशन है साइन की पावर एम एक्स इंटू कोस की पावर एन एक्स डी एक्स अब हमें है किसको सब्सटीट्यूट करना है इफ किसको सब्सटीट्यूट करेंगे इफ वन ऑफ देम इज ऑड इफ वन ऑफ देम इज ऑड अगर दोनों में से एक क्या हो ऑड हो यह तो एक ही हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है इफ बोथ आर ऑड थर्ड क्या है इफ बोथ आर इवन
यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकली आइडेंटिटी। If both are even using trigonometric identity, if M and R rational number, if if m and r rational number and m plus n minus 2 is a negative integer, देखो भाई क्या है सवाल। ये इंटीग्रेशन है साइन की पावर एम एक्स कोस वाई एक्स डी एक्स है, वेयर एम एन आर जोंस के नेचुरल नंबर में दे रखे हैं। अगर ये ऐसा हो जाए इफ वन ऑफ देम इज ओड, इन दोनों में से ओड को करो, इन दोनों में से क्या है एक ओड है, इफ क्या है देन देन सब्स्टिट्यूट of even power function, then substitute even power function, then substitute even power terms of even power, terms of even power, if one of them is odd then substitute term of even power, if both is odd substitute either than, if m both are even then then trigonometrically identity only, then if both are even using trigonometric identity then trigonometry only identity, trigonometry identity ko substitute karenge only, if m and r rational, m and r rational number such that m plus n minus 2 upon 2 is a negative integer then then cot x बराबर p और tan x बराबर t which is suitable according condition, according यानी अब if m and r rational number, दो rational number हों और m plus n minus 2.2 is a नेगेटिव इंटीजर हो तो देन कोट एक्स इज इक्वल टू पी और टेन एक्स इज इक्वल टू पी इन इस या तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे या ये सब्स्टिट्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ठीक है भाई।
अब नया क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इनको रट लेंगे भाई जो अभी था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये दोनों ना तो एड ना तो एक ना तो एक ओड है ना दोनों ओड है, तो यह दोनों क्या है, इवन है। तो यूजिंग दिस हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, यहाँ यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी किससे यूज करेंगे भैया, इसको चेंज कर लेंगे, क्या कर लेंगे इसको चेंज। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस cos 2x / 2, और cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस cos 2x + 2, ये कर दे 1 माइनस cos 2x + 2, ये क्या आ गया, 1 to the 1, a + b, a - b, a² - cos²2x / 4 dx, 1 माइनस cos²2x क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 2x, 1 माइनस cos² क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 2x, 1/4 बाहर आ गया, dx क्या आ गया, 1/(sin²2x). अब फिर साइन स्क्वायर एक्स को फिर मैंने कोस में बदल लिया, फिर साइन स्क्वायर एक्स को फिर इसी तरह जिस तरह करा था ये कहा था 1 माइनस cos 4x क्या आ जाएगा, ये 2n के लिए तो 2x आ जाएगा, क्या आएगा 1 माइनस cos 4x / 2, ये जाएगा 8 dx, क्या जाएगा 8, ए की वैल्यू क्या आ गई है, की वैल्यू एक्स आ गई है, की वैल्यू क्या आ गई है, ए की वैल्यू क्या आ गई, एक्स माइनस कोस इसका माइनस साइन 4x / 4 + c, और ये 1/8, 1/8 एक्स माइनस 1/8, 1/8 x - 4x / 4 + c आ जाएगा है? क्योंकि ये भी है साइन स्क्वायर का, फिर कोस में बना, कोस का फिर ही है कोस में, कोस 2x में, फिर a + b a - b² - b² 1 - cos² क्या आ गया, साइन स्क्वायर, अरे साइन स्क्वायर को फिर साइन स्क्वायर एक्स को कोस 2x में बदल लेंगे, ये एंगल स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, जाएगा 1 - cos 4x / 2, इधर आ गया 1/8 आ गया, इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे, एक का एक कोस का साइन 4x नीचे आएगा 4 + c, इस तरह जो है इसका आंसर आ जाएगा। कुछ जो है एक फॉर्मूले हैं तो याद कर लेना, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले, अगर मान ले dx² क्वाड्रेटिक आ जाए, इक्वल टू क्या आएगा, dx² 1/(x²a²) + x² a² + x² क्या आएगा, 1/(a tan inverse x / a + c) 1/(a tan inverse x / a + c), ये क्या आएगा,
लॉग एक्स माइनस ए प्लस लॉग एक्स प्लस ए प्लस के सी, और एक और फॉर्म है, अगर इस फॉर्म में हो या वन अपॉन डी एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स ऑफ इंटीग्रेशन है इस फॉर्म में, डी एक्स अपॉन ए कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन ए प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स। या इस फॉर्म में हो या किस फॉर्म में हो, या इस फॉर्म में हो ए प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स या ये फॉर्म में हो ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स का होल स्क्वायर ये, या या इस फॉर्म में हो। ये चार हैं, जैसे ए प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स हो, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो, या ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स हो, या ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स का होल स्क्वायर हो, या ए बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स, किसी भी इस फॉर्म में हो, किसी भी इसी इस फॉर्म में हो तो फिर किसको सॉल्व करते हैं, इसे किस तरह सबसे पहले क्या कहते हैं, डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर एक्स इन बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में डिवाइड करते हैं कोस स्क्वायर एक्स को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे, फिर दूसरा क्या करेंगे, फिर इसके बाद रिप्लेस सेक एक्स, फिर क्या करेंगे, रिप्लेस क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स को, इफ थर्ड है, इफ इन डिनोमिनेटर गिवेन वन प्लस टेन स्क्वायर, इफ इन डिनोमिनेटर गिविंग वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स देन पुट
टेन एक्स इक्वल टू टी, इसे टेन एक्स को टी मान लेंगे। जब टेन एक्स को टी मान लेंगे तो फिर डिफरेंशियल क्या आ गया, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू जी टी आ जाएगा, इस प्लेस इस तरह आ जाएगा। देखो भाई अगर ये इस तरह का कोई क्वेश्चन है, अगर इस तरह का कोई ये क्वेश्चन आ रहा है, ये है इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म किसी भी फॉर्म में हो, इनमें एक दो तीन चार पाँच, तो इसको जो है डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर एक्स के, इसको जो है डिवाइड कर देंगे इसको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को, फिर जो अगर कहीं ये दिया हो वन प्लस टेन, तो टेन एक्स को जो है टी मान के सेक स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे इजी तरीका है इसका। जैसे अब हम देखते हैं, एक सवाल लगाते हैं इसके ऊपर, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ जैसे इंटीग्रेशन हो इंटीग्रेशन हो वन प्लस थ्री प्लस साइन टू एक्स, इंटीग्रेशन हो वन प्लस थ्री प्लस टू साइन एक्स, इसको क्या कर ले, वन प्लस थ्री, थ्री कर ले साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस, इसको कर लेना ये, इसको ये कर लिया वन प्लस थ्री इंटू मल्टीप्लाई वन प्लस साइन टू एक्स डी एक्स, याद अब क्या आ गया, साइन टू एक्स वहां क्या गया, टू साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है, थ्री साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो, अब फिर मैंने वही फॉर्म आ गई जो मैंने पीछे फॉर्म बताई थी, अब इसमें से कोस स्क्वायर एक्स को दोनों को क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कोस स्क्वायर एक्स क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कोस स्क्वायर एक्स को डिवाइड कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स को डिवाइड करिए क्या कर लेंगे, इसको कोस स्क्वायर एक्स को क्या कर लेंगे, डिवाइड, कोस स्क्वायर एक्स को डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करके क्या आ जाएगा, ये ऊपर आगे क्या आ गया, थ्री टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन प्लस टू टेन एक्स, कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेगा टू टेन एक्स, टू टेन एक्स और ऊपर कोस स्क्वायर का क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, एक है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब मैं क्या करूंगा, अब फिर वही है, फिर रिप्लेस करने के लिए टेन एक्स को क्या मान लूंगा, मैं सी मान लूंगा, टेन एक्स बराबर इक्वल टू टी, तो क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, इसको टेन एक्स को क्या मान लूंगा, मैं टी मान लूंगा, तो क्या आ गया, डी टी अपॉन थ्री टी का स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन, ये आ गया डी टी। इसको थ्री को जो है ये केल है बाहर, तो थ्री को कॉमन ले लूंगा बाहर, तो क्या गया वन अपॉन थ्री डी टी अपॉन, ये क्या गया टी स्क्वायर प्लस टू टी अपॉन थ्री प्लस के वन अपॉन थ्री,
ये टी स्क्वायर प्लस टू बाई थ्री, अब यह है इसका स्क्वायर बना लूंगा मैं, इसका स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, क्या है वो टी स्क्वायर प्लस टू अपॉन थ्री टी प्लस वन, ठीक है। ए क्या इसे किससे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या आ गया यानी ए टू टू बाई थ्री है ना टी, इस पर क्या आ गया ये यानी बी बी के क्या आ गया वन प्लस थ्री, क्या आ गया टी प्लस वन बाई थ्री, क्या आ गया टी प्लस वन बाई थ्री का होल स्क्वायर प्लस टू रूट टू अपॉन थ्री, ये हो गया टी प्लस थ्री, टी प्लस थ्री का होल स्क्वायर टू रूट टू प्लस थ्री, ये क्या आ गया टी प्लस वन बाई थ्री क्या डी वन अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री डी टी अपॉन टी प्लस वन बाई थ्री टी प्लस टी प्लस वन बाई थ्री प्लस टू रूट टू अपॉन थ्री का होल स्क्वायर, इसको खोल के ये आ जाएगा, ये आ जाएगा नहीं है? अब इसको क्या आ गया, अब यह वन अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्या आएगा वन अपॉन ए, क्या आएगा वन अपॉन ए ए वन अपॉन ए ए ए की वैल्यू कितनी है टू रूट टू अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री इंटू टू रूट टू अपॉन थ्री, इस थ्री से ये थ्री जाएगा वन अपॉन टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की वैल्यू क्या आ गई टी प्लस वन बाई थ्री, ए ए की वैल्यू टू रूट टू अपॉन थ्री प्लस सी प्लस सी, इसमें क्या आ गई है ये क्या आ जाएगा टेन इनवर्स थ्री टी प्लस वन, क्या आ जाएगा ये इस वन अपॉन टू रूट टू, क्या आ गया वन अपॉन टू रूट टू टेन इनवर्स थ्री टी अपॉन वन, थ्री टी प्लस वन अपॉन टू रूट टू प्लस सी, टू रूट टू टेन इनवर्स थ्री टी प्लस वन अपॉन टू रूट टू, ये इसका आंसर आ जाएगा, क्या इसका ये आंसर आ जाएगा। और टी की वैल्यू क्या मान रखी थी हमने, ये था इसको वन को थ्री साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन टू एक्स को टू साइन एक्स कॉस एक्स बना लेंगे, फिर इसका जो दिया हुआ फॉर्म है कॉस स्क्वायर एक्स को डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, फिर जो आया सीधे टेन एक्स को इसे एलिमिनेट करने के लिए टेन एक्स को क्या मान लूंगा टी मान लूंगा, तो ये आ गया, ये आ जाएगा इस तरह का, इसे या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से देखे टू ए बी देखे फोर में बना लूंगा, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है इंटीग्रेशन में, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसकी वैल्यू रख दूंगा सभी सॉल्व करके, ये आ गया वेयर टी 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 की वैल्यू कितनी आ गई टी की वैल्यू आ गई थी इसमें भैया टी की वैल्यू टेन एक्स, टी इज टू टेन एक्स, वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं भाई,
अगर ये फॉर्म हो कि वन अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कोस एक्स, वन अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स प्लस के सी कोस एक्स, अगर ये फॉर्म हो सबसे पहले क्या करते हैं साइन एक्स पुट राइट द साइन एक्स एंड कोस एक्स इन द फॉर्म ऑफ टेन एक्स बाई टू, टेन एक्स by 2, then substitute, then substitute, because first right is, first kya right, tan x and cos x in terms tan x by 2, tan x by 2, then eliminate, then substitute, then इसे tan x by 2 को फिर क्या कर दो, इसको जो है सब्सटीट्यूट कर दो, देन सब्सटीट्यूट टू x by 2, इस x by 2 को जैसे क्वेश्चन लगाते हैं इसके ऊपर, देखो जैसे क्वेश्चन है वन प्लस साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये सारा क्वेश्चन है, तो इसको टेन एक्स में बदल देंगे, क्या आएगा वन अपॉन वन प्लस टू टेन एक्स बाय टू, टू टेन एक्स बाय टू वन प्लस टेन स्क्वायर x by 2 plus cos x का क्या आएगा, अब इनका एलसीएम ले लिया, इसे इधर कर लिया, क्या आ गया ये, इसको पढ़ा जाएगा क्या आएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, ये क्या आ गया वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस टू टेन एक्स बाय टू प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, इस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू से ये जाएगा क्या आएगा वन प्लस टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, क्या टेन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू क्या आता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, क्या आया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, इन दोनों में दो कॉमन लिया एक और एक दो, दो टू प्लस टू टेन एक्स बाई टू इसका इंटीग्रेशन dx, नीचे से दो कॉमन ले लूंगा, नीचे से क्या कॉमन ले लूंगा, दो कॉमन ले लूंगा, क्या आ गया फिर इसे वन प्लस टेन एक्स बाई टू को क्या मान लूंगा, टी मान लूंगा या थीटा मान लूंगा, वन प्लस टेन एक्स बाई टू क्या मान लूंगा, क्या वन प्लस टेन प्लस टेन क्या क्या आ गया सेक स्क्वायर एक्स बाय टू वन बाय टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, टू डी टी क्या आ गया टू डी टी अपॉन टी इंटू टू, इस टू से टू जाएगा क्या आ गया डी टी अपॉन वन अपॉन टी, वन अपॉन टी की वैल्यू क्या आ जाएगी log t, वन अपॉन टी की वैल्यू क्या जाएगी log t,
वन अपॉन टी की वैल्यू, अरे नहीं जाएगी वन अपॉन वन प्लस टी क्या जाएगी, लॉग एक्स की वन अपॉन लॉग एक्स प्लस सी टी, वेयर टी की वैल्यू क्या है, वेयर टी इक्वल टू वन प्लस टेन एक्स बाई टू, टी इक्वल टू की वैल्यू क्या है वन प्लस टेन एक्स बाई टू, बी कैन सोल्व टी इक्वल टू वन प्लस टेन एक्स बाई टू। देखो ये है, इसको टेन एक्स बाई टू में लिख लिया, इसको भी टेन एक्स बाई टू में लिख लिया, इनको सॉल्यूशन कर लिया, फिर जो सॉल्यूशन कर लिया तो इसका फॉर्मूला लिख दिया, फिर क्या आ गया, ये आ गया कि इसको एलिमिनेट करने के लिए टेन एक्स बाई टू क्या कर लूँगा, टी मान लूँगा, तो ये एलिमिनेट हो गया, तो क्या आ गया वन अपॉन वन, वन अपॉन वन प्लस टी, वन अपॉन एक्स क्या होता है लॉग एक्स, टी की वैल्यू इसमें वैल्यू रख देंगे। अगर कोई फॉर्म में हो जाए सवाल है भाई, जैसे कि फॉर्म में, उस फॉर्म में जैसे पी कोस एक्स प्लस क्यू साइन एक्स, पी कोस एक्स प्लस क्यू साइन एक्स प्लस आर अपॉन ए कोस एक्स बी साइन एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसको एक्सप्रेस कर लूंगा, इसको क्या कर लूंगा मैं, इस डिनोमिनेटर को, इस तरह का कोई है पी कोस एक्स प्लस टू साइन एक्स प्लस आर, ऊपर भी है कोस एक्स साइन एक्स का फंक्शन है इस तरह, नीचे भी है प्लस आर सी, तो इसको क्या कर सकता हूँ, इस फॉर्म में कर सकता हूँ, इसके लैम्डा मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, लैम्डा डिनोमिनेटर प्लस म्यू डिफरेंशियल ऑफ डेनोमीटर, म्यू डिफरेंशियल ऑफ डेनोमीटर प्लस लैम्डा डेनोमीटर प्लस म्यू डिफरेंशियल ऑफ डेनोमीटर प्लस गामा, ये इसका ये लिख लेते हैं, ठीक है। अब अगर वेयर लैम्डा, ये क्या क्या है, वेयर लैम्डा, वेयर लैम्डा म्यू एंड गामा आर द कॉन्स्टेंट, आर द कोफिशिएंट ऑफ, आर द coefficient of cos x sin x, sin x cos x and cos tan, this is here sin x cos x and cos tan respectively, agar dekho इसका क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डिनोमीटर प्लस म्यू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमीटर प्लस गामा, लैम्डा किसका कॉन्स्टेंट है, साइन एक्स कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट एंड कोस अल्फा का क्या है, म्यू है, गामा क्या है, कॉन्स्टेंट है, गामा क्या है, अब आगे बढ़ गया वहां,
एंड इंटीग्रल स्प्लिट इनटू सम ऑफ थ्री एंड इंटीग्रल को स्प्लिट कर देते हैं सम ऑफ थ्री इंटीग्रल इनटू सम ऑफ थ्री इंटीग्रल जो दिया हुआ उसे सम ऑफ थ्री इंटीग्रल में कर सकते हैं। जैसे जैसे इसे कर सकते हैं लैम्डा डी एक्स प्लस म्यू डिनोमिनेटर अपॉन डिफरेंशियल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ डी आर अपॉन डी आर प्लस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स किया जाएगा। तो एन क्या आएगा? अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना हो पी कोस एक्स क्यू साइन एक्स प्लस साइन एक्स का प्लस लैम्डा डेनोमीटर लैम्डा डी एक्स प्लस न्यू डिफरेंशियल ऑफ डेनोमीटर लैम्डा क्या लिखते हैं लैम्डा लैम्डा डी एक्स प्लस म्यू डिफरेंशियल ऑफ डेनोमीटर अपॉन डेनोमीटर प्लस एन इंटीग्रेशन वन अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर है। इसको घर से करके लाएंगे, देखेंगे क्वेश्चन है ये। इसी बेस के ऊपर इसी फॉर्मूले के ऊपर जैसे इस फॉर्मूले के ऊपर लिख के लाएंगे, जैसे क्या है थ्री साइन एक्स प्लस कोस थ्री साइन एक्स प्लस टू कोस एक्स अपॉन थ्री कोस एक्स थ्री कोस एक्स प्लस टू साइन एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, ये है ना ए कोस एक्स प्लस डी एक्स। इस तरह के जो फॉर्मूला आता है इस तरह के हम जो है फॉर्मूले को उसके ठीक है घर से करके लाएंगे। आज के लिए इतना ही, नहीं आता तो फिर इसको नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।